सो ओके गाइस, वेलकम बैक, दिस इज आरुष बोला। आज है पांचवा दिन और पांचवे दिन हम भाई से मिले, अपने जयपुर वाले भाई से। भाई जयपुर से आया हुआ था किसी काम से मनाली में, फिर मनाली से दिल्ली, फिर भाई ने जैसे तैसे घर ढूंढ लिया, भाई आ गया मिलने। बहुत मुश्किल से कहीं उल्टा निकल गया था इधर उधर, अभी आया यहाँ पे, फिर निकल गए। भाई सारे व्लॉग्स देखता है, मतलब मेरे को छोटी छोटी बातें बता रहा है व्लॉग्स की, मेरे को ही नहीं पता। भाई चप्पल तो नहीं चोरी हुई थी वहाँ पे? भाई यहाँ पे विजय सेल्स पे ये ले आते हो भाई, वहाँ पे आपका ये वो पड़ा हुआ जूस वाले का बर्फ काटने वाला, कह रहा है यहाँ पे आपने डुई छिल ली थी। सारी बातें बता भाई को सारी। थैंक यू भाई, भाई मार से मजा आ जाता है दिल से। भाई ऐसे भाई आते हैं भाई आप पर यार, शांत हो यार, यार मजा यार शांत। इसने भाई यार लैला भाई की बंदी पड़ गई है। दे नहीं भाई ये मजा ही बताओ, फिर रोने वाले हो क्या? अबे झूठा वेंचर तकली रो रहा था ये उस दिन के सामने। सही है भाई, तो भाई बहुत बढ़िया लगा मिलके। बाकी ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, व्लॉग्स वगैरह देखो, दोबारा मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मुंबई आ जाना शेरू क्लासिक में, वही प्लान है। आ जाना ठीक है भाई। ओके भाई, थैंक यू। हेलो सर, बस वो रही आपकी स्कूटी, ठीक है? बाय बाय भाई। दिल खुश हो जाता है ऐसे बंदे मिलते हैं ना, कि मतलब छोटी छोटी बातें बताते हैं, कभी सोचा नहीं था इतना प्यार मिलेगा बंदों से। थैंक यू सो मच उस सबके लिए। अब आज का दिन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। दिन तो बहुत बढ़िया स्टार्ट हुआ है, घर से बाद में निकला, पहले एक भाई मिल गया, भाई ने इतनी प्यारी प्यारी बातें करी। अब चलो भाई, अब हम जा रहे हैं अपने स्टूडियो। हमारे स्टूडियो में रहता है लव, वो है डिप्रेशन में, तो इसको फ़ोन करके जाता हूँ, कल को जाऊँ पंखे से लटकाओ नाम हम पे आ जाए। पहले फ़ोन कर लिया, बात हो गई इससे तभी जा रहा है। बाकी भाई एक बात सुन लो, स्टूडियो में हम आ गए हैं, लव सेफ है, ही इज़ लाइफ। ये देखो ही इज़ अलाइव। और अभी हम सेटअप कर रहे हैं स्ट्रीमिंग का, ट्राई कर रहा हूँ कि गेम स्ट्रीम करूँ। अगर तुमने देखनी है तो बताओ, फिर कोई गेम स्ट्रीम करूँगा, क्योंकि मेरा एक और हिडन टैलेंट है गेमिंग का, बहुत अच्छी गेमिंग। हाँ हिडन टैलेंट है, हिडन। और बाकी एक बात और कहनी है कि भाई जैसे ये भाई आया होता, ये जब घर के नीचे आया तब मैं जा ही रहा था कहीं, और मैं अभी जैसे यहाँ आ गया, फिर मैं उससे मिलना हुआ था, फिर उसका वेस्ट हो जाता सारा। तो ऐसे मत आया करो भाई मिलने, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं बस दो चार मिनट के लिए मिलता हूँ, तुम इतनी मेहनत से आते हो, तो रूड नहीं बन रहा, पर यही कह रहा हूँ भाई मैं तुम्हारे लिए भला चाहता हूँ कि ढंग से मिलूँ सबसे। तो थोड़ा टाइम रुक जाओ, बस एक आदमी ने और रुको, मीटअप रखते हैं बढ़िया, सबसे अच्छे से मिलेंगे तब आना, फिर अच्छा नहीं लगता ना। तुम आ जाते हो, मैं मिल नहीं पाता, गर्मी वर्मी में मिलता हूँ 5-10 मिनट, फिर मज़ा नहीं आता। मिलेंगे तो भाइयों से, ढंग से मिलेंगे। और लड़कियाँ भी आ सकती हैं मिलने के लिए, लड़कियाँ आती हैं। हाँ लड़कियाँ आ सकती है जितनी मर्जी, उनसे ढंग से मिल लूँगा। यह गिनने बड़ा मादर चोद आ रात को कहा था तू? रात को थोड़ी काम कर रहा था। 3 बजे कहा था? 3 बजे कहा था 3 बजे? तेरी आज की मैं पड़ गया 3:30 घर पे था भाई। बर्बाद हो जाएगा, छोड़ दो उस कुत्ती को, बर्बादी तो होना है उसके साथ। वाली भाई साहब इधर देखो, एक फोटो चेक करो। अबे गिनने तेरी गिनने यार, या तो गिनने वाली बातें ना कर दो भाई, ब्लर करके डालूंगा, पर डालूंगा जरूर। गिने यार मत कर, यो समझा करो। अरे उसका मुंह ब्लर कर देंगे, हम मुंह ब्लर कर देंगे, रोका फाइट। भाई इधर ना शादी वाली एडिटिंग कर दियो, जो पहले शादी वाली नहीं होती थी, टू 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 उसका मुंह बना दियो। तू क्या अबे वो दूल्हे वाला वो होता है, तेरा भी नहीं है इसको बैठ चोद को साले। उससे अच्छी शक्ल पता किसकी है? किसकी? सबकी तेरी। किसी के बारे में ऐसे नहीं बोलते भाई, शक्ल वक्ल भगवान ने दी है यार, एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट कर लूंगा पर एक्सेप्ट नहीं करवा रहा। ये क्या कर दिया तूने भाई? भाई आज इसको डिप्रेशन हो रही थी, इसने बोतल तोड़ दी गुस्से में फेंक के। भाई यार लव क्या करेगा भाई तू? बल्ले तूने तोड़ दिया भाई, उससे बढ़िया ऑप्शन है देख ऊपर। लव भाई हल्की सी कलाई काट ले यार, कंटेंट मिल जाएगा। नस काट ले लव भाई, उल्लू ऐसे ही मेरा दिल तोड़ा था उसने, ऐसे ही भाई ऐसे ही टूटा था दिल। तो भाई ये इतना बड़ा कुत्ते का वो है, मेरे को आगे कह रहा है कल मैं एक लड़की के साथ रात को 3 बजे घूम के आया हूँ, बंगला साहिब गया हूँ, उससे बातें बातें करी, वॉक पे गया था, ठीक है। और इतने सीरियस होके बता रहा, मैं भी मान गया, लव भी मान गया। भाई मान गया था तू पूरा? हाँ भाई। फिर मैंने अभी इसका फोन पकड़ा उससे चैट करने के लिए, अब मैं तुम्हें उसकी चैट दिखाता हूँ। एक मिनट भाई, कुछ और ना दिख जाए, डांस की वीडियो दिख जाएगी। ये देखो बंगला साहिब में, अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है आप बोल दो मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ओके अरे हाँ डोंट वरी, बताओ यहीं पे हूँ।
तो बताओ कब तक फ्री हो जाओगे? 3 बजे? तो ओके 3 बजे डन है फिर, ठीक है। फिर कहाँ गया ये देखो, हाँ जी कब तक आओगे? मैं रेडी होने लगी हूँ। अरे मैं सो गया था, आँख लग गई थी, सुबह 7 बजे मैसेज कर रहा आप कॉल करते थे यार, सॉरी कोई बात नहीं मैं नहीं हुई थी रेडी। और तू मेरे को कह रहा है कि तू 3 बजे बंगला साहिब घूम के आया है? झूठ बोलेगा, कितना झूठ बोलेगा यार, कितना झूठ बोलेगा। मैंने कब बोला? नहीं बोल रहे साले, वो कितना झूठा इंसान है, कोई क्या मिल गया झूठ बोल के? तुम्हारी गार तो चल रही होगी। मेरी गाड़ी भाई बहुत अच्छी लड़की है ना साले। बाकी एक दोस्त और देखो, क्या कह रहा था तू? हैंड के ऑफिस से आके घर जाए अपनी गांड बनाने आ गया था। लोनली वैभव को घर छोड़ते हैं, फिर अपने घर जाते हैं, फिर कुछ खाएंगे, फिर जिम मिलते हैं, ठीक है। ओए ओए ओए, अबे कुछ नहीं कह रहा था। तो भाइयों एक बात करनी थी आपसे, आजकल आपने नोटिस करा होगा बहुत लोग ओबेसिटी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ फोकस है, और बोन हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है। वो सब चीज़ों का एक ही मेन रीज़न निकलता है जो है लो टेस्टोस्टेरोन। अब ये आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, इसके बहुत सारे रीजंस है। लोगों का लाइफस्टाइल बड़ा अजीब हो गया, वर्किंग लाइफस्टाइल है, सिटिंग लाइफस्टाइल है, वर्कआउट नहीं करते, डाइट नहीं खाते कुछ, तो उन सब के लॉन्ग टर्म इफेक्ट होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसको अगर आपने ठीक करना है तो क्या क्या चीज़ है? सबसे पहले तो अपनी डाइट सही करो, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो, और एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बिग मसल का टेस्ट गेंस मैक्सिमम, ये आपको हेल्प करेगा आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल ठीक करने में और इम्प्रूव करने में। और सबसे बढ़िया बात, ये इंडिया का पहला टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है जो फ्रूटी फ्लेवर्ड है। इसका ये फ्लेवर सेक्स ऑन द बीच सबसे प्यारा है। ये एक यूनिक फॉर्मुलेशन है जिसमें आपको मिलते हैं 60 टेस्टोस्टेरोन बूस्टर अमीनो एसिड, 8 नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग हर्ब्स जैसे कि अमेरिकन जिंसेंग, ट्रिपल अश्वगंधा एक्सेट्रा, और 6 विटामिन मिनरल्स का ब्लेंड जो आपकी बॉडी के ओवरऑल स्ट्रेंथ और टेस्टोस्टेरोन लेवल को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? ये आपके स्टेमिना और एनर्जी लेवल को इंक्रीज करता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ बढ़ाता है, आपका जो रिकवरी टाइम होता है उसको मिनिमाइज करेगा, और ये 100% बैन सब्सटेंस और प्रिजर्वेटिव फ्री है। तो अगर आपको खरीदना है, नीचे लिंक होगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ पे अपने भाई का कूपन कोड लगा के खरीद सकते हो और इसको ट्राई कर सकते हो। इसकी 1 महीने की सप्लाई आपको मिलेगी 1099 की। तो ठीक है भाइयों, अब मैं जा रहा हूँ जिम, टाइम हो रहा है 7 बजने वाले हैं पूरे, तो 7 बजे जिम पहुंच जाऊंगा, 8:30 तक वर्कआउट करेंगे 1.5 घंटा आराम से, उसके बाद तुमसे मिलता हूं। वर्कआउट की क्लिप्स थोड़ी बहुत दिखा दूंगा क्योंकि भाई बहुत ही गंदा रश होता है जिम में, ये नहीं कि पी कार्स है इस वजह से, क्योंकि मैं इस टाइम जाता हूं, ठीक है। विद द वर्कआउट नाइट्स टाइम, तो भाइयों वर्कआउट हो गया, अब मैं कुछ खाने जा रहा हूँ, तो तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या खाऊंगा, ठीक है। भाई ये कॉफी है खट्टी। हेलो, बस सबर तो कर लिया करो यार, वीडियो बना रहा हूँ। सो गाइस, वाटरमेलन जूस, 2 कॉफीज एंड 2 सैंडविच। बंदी बंदी नहीं भाई, हमारी यूट्यूब बंदी है, बंदी को नहीं बेचते हम, यूट्यूब पे डालते हैं, इसकी तरह नहीं हम, तेरी तरह सिंगल है तू, वो भी तो फॉरएवर बोलती थी। सो गाइस ये देखो, जिम तो आया नहीं, ये कहीं गया हुआ था, और कहाँ गया था अब तुम खुद गैस कर लो।
बहन के ना खानदान की कसम घर पे सो रहा था ऐसी गांड ना मरा अपने आज किसी से नहीं मिला खानदान की कसम का सुबह मिला था ये देखो फोटो गाइस गिने नहीं यार गिने ये मजाक मत कर यार समझा कर ले भाई बारे में नहीं। मैं अपनी माँ की कसम खा के कह रहा हूँ अगर 10,000 लाइक आ गए फोटो दिखा दूंगा तुम्हें भाई साहब अपनी मम्मी के बर्थडे पे भी केक नहीं लेके जाता पर बंदी का बर्थडे तो देखो ये देख रहा है यार बस बड़ा गंदा आदमी है भाई तू हेलो गुड इवनिंग मैम मैम एक्चुअली सर का फोन अभी स्विच ऑफ होने वाला है तो सर अभी मैम बंगला साहिब जा रहे हैं मैम बंगला साहिब जाके ब्लेसिंग्स लेते हैं बाबा जी की और क्या करेंगे मैम जाके वहाँ पे ये मोदी का चेला क्या मोदी का चेला क्या तेरे को बात करो नहीं नहीं सर से बात मत कराओ मैम प्लीज नहीं नहीं ये बड़े वाले सर से बात करो अच्छा अच्छा बात कराइए मैम हेलो भाई आज क्या ऐसा बंगला साहिब में सर बंगला साहब दिन नहीं देखते सर हम कुछ भी दिल होना चाहिए बस दिल जाने का अबे तू निकम्मा भाई हमें कंटेंट बनाना होता है कंटेंट ही है बंगला साहब जाएंगे दिखाएंगे भाई वहां पे तो क्या गाइस तुम्हारे लिए देखो घर से गालियां सुनता हूं बदल लूं अबे बदल ले कोई तो बदल अब आगे लेके ऊपर से फ्लैश भी चलती है अंदर किधर कर ले इधर बदल ले इधर चेंज कर ले तो भाई गर्मी लग रही थी बड़ी वैभव से टी शर्ट मंगवाई है जल्दी पहन लेता हूँ दूसरी अबे दे तेरी रहने दे भाई रहने दे ले लो मच्छर चलो यार बंद करूँ बनाता रहूँ तेरी तो बहन चुकी तेरी फोटो डाल ये देख फिर गाली बहन की माँ बहन की गाली बकरा देख रहा दो दल के लाभ दो आ जा उल्टी पहन ली नहीं सही है चलो ओके गाइस अब तुम्हें दिखाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं तो ठीक है भाई हुआ है बंगला साहिब अंदर वीडियोस वगैरह नहीं बनाने देते इसलिए बनाई भी नहीं मेरे फोन में 2% बैटरी है और वैभव के फोन में भी बहुत कम थी अब उसके घर के नीचे है आपसे मिलूंगा कल क्योंकि हम डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं भाई साहब कल भी आपको अपनी शक्ल दिखाएंगे तब तक आप बेल आइकन दबा दो जैसी वीडियो आए आ जाना कमेंट कर देना कल वाली में ठीक है ओके बाय लव यू ओके बाय ब्रो बाय भाई ये तो साथ ही चल रहा है नीच थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी न चाटी 3 बटन से भार